कपिल मियां, सारा कहाँ है? पता नहीं अम्मी, फोन भी अपना घर पर छोड़ के गई है वो। तुम पीछे के दरवाजे से आ रही हो। खुदा का वास्ता, तुम कहां जाती हो? जरा एक बार बता के तो जाओ, कहां गई थी तुम? इतने परेशान हो गए थे हम, ऐसे खराब ख्याल आ रहे थे हमारे जहन में। पुलिस को हमने फोन भी कर दिया, बाहर से प्रोटेस्ट लगा हुआ है और तुम बाहर घूमने गई हो। हम कौशल से मिलने गए थे। जरा बेटा, हम तुम्हारी उलझन अच्छे से समझते हैं। आखिर कौसर मौत के मुंह से बाहर आई है, तुम उसे तसल्ली देने गई थी ना? अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, वो सब ठीक कर देगा, तुम फिक्र मत करो। और इन सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराओ जरा, सब ठीक हो जाएगा। कहीं ये लड़की अपना फैसला बदल कर तो नहीं आ रही है? एक सेकंड, काजी साहब, जरा एक मिनट जी, आप जरा जारा से बात कीजिए, समझाइए उसे। ये केस छोड़कर उसने कुछ गलत नहीं किया है, वो आपकी बहुत इज्जत करती है, आपकी बात मानेगी वो। देखिए शहबाज साहब, हम जारा को तालीम और तरबियत और अच्छी परवरिश देकर अपने बाप होने का फर्ज अदा कर चुके हैं, हम उसे फैसला लेने के काबिल बना चुके हैं। इसलिए हमने उसे कल ही समझा दिया था कि अब जो कुछ भी करना है उसे ही करना है। अगर किसी वजह से जारा ने ये ठान लिया कि वो शरिया बोर्ड जाके ये केस लड़ेगी तो गजब हो जाएगा, और फिर ये मीडिया वाले तो बैठेंगे हर चीज को बड़ा चढ़ा के पेश करने के लिए। कबीर ने कसम दी है जारा को, आप जानते हैं उन दोनों के रिश्ते के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। और रिश्ता तो दूर की बात है, ये जारा की जान के लिए ठीक नहीं। मतलब हम बताना नहीं चाहते थे, मगर अब कोई रास्ता नहीं। कौम के मर्द जो हैं, वो जारा से नाराज हैं। वो चाहते हैं कि वो ये कौसर वाला केस छोड़ दे। कुछ दिन पहले हमारे घर कुछ बंदूकधारी लोग घुस आए थे, धमकी देकर गए। अगर जारा अपना फैसला बदलती नहीं है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। जारा बीबी, पीछे हटके हम पे जुल्म मत कीजिए। मत कीजिए, मत कीजिए। जारा अहमद, इसमें आपका क्या कहना है? अगर तुम 12 अप्रैल को कौसर के केस के लिए शरिया बोर्ड में आई तो हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रख कर कसम खाते जारा कि तुम इस घर में कभी नहीं लौटोगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम आज आप सबके सामने ये ऐलान करते हैं कि हम कौसर का केस फिर से लड़ेंगे। और 12 अप्रैल को शरिया बोर्ड भी जरूर जाएंगे। शुक्रिया। जिंदाबाद।
आखिर तुमने ये फैसला ले ही लिया है कि तुम अपनी शादी का कत्ल करके ही रहोगी? जरा सी वाहवाही के लिए कबीर के साथ तुम्हारा जो रिश्ता है उस रिश्ते को खत्म करके ही रहोगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, जरा ऐसा कुछ नहीं करेगी। जरा ऐसे करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जरा तुम कबीर के साथ रिश्ता नहीं तोड़ोगी ना? कभी नहीं। सुना आपने? अभी हमारा बस चले तो हम आखिरी सांस तक कबीर के साथ अपना रिश्ता रखें। लेकिन रिश्ता तोड़ने की कसम तो कबीर ने खाई ना, तो सवाल कबीर से नहीं होना चाहेगा क्या? उससे क्या पूछे? सवाल हम तुमसे पूछेंगे जरा। कबीर ने जो कसम खाई है उस कसम को पूरा ना होने से सिर्फ तुम रोक सकती हो, इसलिए सवाल हम तुमसे पूछेंगे। तुम एक अच्छी एक सच्ची मोमिना होने का दम भरती हो ना, तो फिर बताओ हमें। कुरान में तो साफ कहा गया है अपने शोहर का हुक्म मानना एक बीवी के लिए लाजिम है। उसकी मर्जी के खिलाफ घर से बाहर जाके काम करना गलत होता है, गलत। फिर भी कबीर के लाख कहने के बावजूद तुमने फैसला लिया है कि तुम शरिया बोर्ड जाओगी, क्या यह गलत नहीं है? क्या यह कुरान के खिलाफ नहीं है जरा? अबू, जिस कुरान का आप हवाला दे रहे हैं वही कुरान एक बीवी को तमाम मखलूक के खुदा को ये हुक्म देता है कि गलत बात मत मानो, ये हक देता है। और शरिया बोर्ड जाना किसी भी मायने में गलत नहीं है ना कभी? सुनो, हम शादी से पहले से शरिया बोर्ड जा रहे हैं। अगर तुम्हें परेशानी होती है तो तुम हमसे शादी नहीं करते ना? तो फिर हम कहां से गलत हो गए? हमने क्या गलत किया है जो हमें हक के रास्ते पे जाने से रोक रहे? क्या वो गलत नहीं है? कबीर, कबीर, हमने तुम्हारा पूरा कबर जमा दिया अच्छे से, ठीक है? कंफ्यूज मत होना, वो नीचे वाली जो ड्रॉअर है उसमें सारी फाइल्स है तुम्हारी। अपना सामान सारा हटा के हमने इत्र और टोपियां रख दी हैं तुम्हारी। शेरवानी नीचे ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऊपर रखी हुई है सारी, ठीक है? एक सामान निकालने के लिए पूरी अलमारी तहस नहस मत कर देना, हम नहीं होंगे जमाने के लिए। हम जानते हैं कल के बाद तुम हमारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करोगे, लेकिन एक दिन आएगा देखना जब तुम्हें हमारी याद आएगी। इस
इस बैग से हम कुछ भी लेकर नहीं जा रहे हैं। इसमें हमारे सारे कपड़े हैं। अगर तुम्हें थोड़ी सी तुम्हारे गुस्से के चलते हमें तो तुमसे मिलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन अगर तुम्हें हमारी याद आए ना तो इस बैग को बहाना समझकर आ जाना। तुम तो हमसे मिलने आ सकते हो ना, अगर हम नहीं आ सकते तो वो जब मन करे तो इसमें से कुछ भी सामान निकालना और देने चले आना। हम तुम्हें देख भी लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, जब दिल करे आ जाना। लेकिन अगर मोहब्बत खत्म हो जाए तो ये सारा बैग ना ये तमाशा करने की जरूरत नहीं है, ये नौकर के साथ भेज देना, हम ले लेंगे। उस और वो उसमें है कपड़े हैं और अलमारी में ये रख लेना, तुम हमारी याद आ सकती है। हाँ फाइल्स पूछ रहे हैं वो उधर कमरे कबर्ड में उधर रखी हुई है, वो दरवाजे में पेन में राइट वाली ड्रॉअर में दरवाजा रखा हुआ है। ये रिश्ता टूटा नहीं है, मत टूटने दो इस रिश्ते को। बचा लो सारा, बचा लो सारा। सुंदर जोड़ा है ना, कितनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। समझ नहीं आता है कि अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहे हैं या नाइंसाफी कर रहे हैं हमारे साथ। कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है, अब भी वक्त है जरा। हम बोल आज के दिन कोई बहस नहीं करते है ना, हमारे रिश्ते का दिया आज जल रहा है, अल्लाह ही जाने कल चलेगा भी अब बुझ जाएगा। कबीर आज प्लीज हमें हमारे बीवी होने का हक दे दो ना, ये रात खत्म होती जा रही है। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मरना जाऊं कहीं। जो ना
नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं मरना जाऊं कहीं, तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना, तेरी ओर है इन्हें तो रहना। रोके ना रुके नैना, बात हमारी जरा ध्यान से सुनिए। एक और मौका देना चाहते हैं हम आपको, हमारा खास बनने के लिए। इससे पहले कि जारा हमारे बेटे की तरक्की में रुकावट पैदा करे, हम चाहते हैं कि आप उसे खत्म कर दीजिए। हम तंग आ गए उससे। जारा को खत्म कर दीजिए, जारा बचनी नहीं चाहिए। साथ में ही जा रहे हो तुम दोनों शरिया बोल? अरे सुनने में आया कि मीडिया वाले पहले से ही जमा हो गए वहां पर। हम जा रहे हैं अम्मी, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तेरा भाभी, अल्लाह हाफिज। कशान भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे जरा, अपना ख्याल रखना। जी। अल्लाह हाफिज। बहुत खुश रहो। जाने कैसे टूटे रिश्तों से बिखरे है ये पल, मानो जैसे गम की पलकों से छलके है ये पल। क्यों अधूरी ये कहानी अलविदा, मर के भी ना हम कहेंगे।
अलविदा।